Right in the crossfire. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं टेक विद मोहित। आज मैं बात करने वाला हूँ गूगल मैप्स की कुछ खास ऐसी ट्रिक्स के बारे में जिसको आप गूगल मैप्स पर भी नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात कर दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 101% मिल जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट ट्रिक के बारे में, जूम करने के लिए डबल टैप। जब भी आप मैप को जूम करते हैं तो इसके लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है ना। वाहन चलाते समय ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है, इसके लिए आसान ट्रिक ये है कि आप मैप पर कहीं भी डबल टैप करें, वह जगह अपने आप जूम होती जाएगी। सेकंड ट्रिक, मल्टीपल लोकेशन प्लॉट करें। कैसे जानते हैं इसके बारे में। मान लीजिए आपको घर से कॉफ़ी शॉप, दोस्त के घर, बैंक और उसके बाद अपने ऑफिस जाना है तो आप मल्टीपल लोकेशन पर इसमें प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट और एंड लोकेशन भरने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करें। यहाँ आपको एड स्टॉप विकल्प मिलेगा, आप इसमें बीच की लोकेशन प्लॉट कर सकते हैं। इस तरह मल्टी लोकेशन ट्रिप का रास्ता मिल जाएगा। थर्ड ट्रिक, किसी खास दिन आप कहाँ गए। क्या आप जानते हो गूगल मैप आपकी यात्रा की हिस्ट्री को मैप पर सेव रखता है। आप अपर लेफ्ट साइड में मौजूद थ्री बार मेन्यू पर क्लिक कीजिए और योर टाइमलाइन विकल्प को चुनिए। यहाँ आप तारीख के हिसाब से ये जान सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए। और अगली ट्रिक के बारे में तो हर कोई जानना चाहता है, फोर्थ ट्रिक। हाँ दोस्तों, गूगल मैप्स के साथ म्यूज़िक तो हर किसी के अंदर भूत सवार है। आप बैकग्राउंड ऐप में म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं तो इसके साथ आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स, नेविगेशन सेटिंग्स में जाएं और शो मीडिया प्लेबैक कंट्रोल्स विकल्प चुनें। इसी के साथ आप म्यूज़िक सुनने का भी आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पर। जय हिंद।